डू नॉट इंडल्ज इन टू स्मोकिंग एंड एल्कोहल. इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस. इफ देर आर पीपल अराउंड यू, इफ यू हैव फ्रेंड्स एंड कंपनी हु इंडल्ज एंड दे फोर्स यू बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, आपको ये करना पड़ता है. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग यू इन टू द राइट थिंग. हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो. और आज हम बात करने वाले हैं ईसोफेगियल कैंसर की, और उसके लिए आज हमारे साथ फिर से हैं डॉक्टर अदिति. हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में फिर से, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन. मैम, ईसोफेगियल कैंसर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ये एक नया टर्म था, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस कैंसर के बारे में नहीं पता होगा. तो मैं आज यही आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ कैंसर के ऊपर. और सबसे पहले हम मिथ से स्टार्ट करते हैं. तो मैम, सबसे पहला मिथ जो मेरे पास है ईसोफेगियल कैंसर को लेकर, कि ये सिर्फ ओल्डर अडल्ट्स जो हैं उनको अफेक्ट करता है. सो इज इट मिथ और इट्स अ फैक्ट? सो इट इज़ एक्चुअली अ मिथ. ईसोफेजियल कैंसर यानी कि कैंसर जो ईसोफेगस का हो रहा है. ईसोफेगस इज़ द फूड पाइप जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है. उस ट्यूब का, उस हॉलो मस्कुलर ऑर्गन का अगर कैंसर होगा तो हम उसे ईसोफेजियल कैंसर कहते हैं. यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा कैंसर्स का रिस्क होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि ओल्डर एज ग्रुप में ही होता है ये. तो दिस इज़ अ मिथ. इट कैन हैपन इन यंग पीपल ऑल्सो. ओके. एंड मैम, जो हैवी स्मोकर्स होते हैं या फिर जो वेपिंग करते हैं उन्हें ही ये हो सकता है या फिर ये किसी को भी हो सकता है? सो डेफिनेटली स्मोकिंग, एल्कोहल, टोबैको, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं और ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव होते हैं. यानी अगर कोई स्मोकिंग के साथ में एल्कोहल भी ले रहा है सो उसका रिस्क कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो सिर्फ स्मोकिंग या सिर्फ एल्कोहल कर रहा है. बट ऐसा रूल नहीं है कि ये उन्हीं को होगा जो स्मोक या एल्कोहल ले रहे हैं. इट कैन हैपन टू नॉन स्मोकर्स एंड नॉन एल्कोहलिक्स ऑल्सो. ओके. एंड मैम, हर्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स जो हैं वो भी ईसोफेगियल कैंसर की वजह से हो सकते हैं? सो ईसोफेगियल कैंसर की वजह से नहीं होते. जिन लोगों को हार्ट बर्न या रिफ्लक्स रहता है, GERD, वो कुछ केसेस में कैंसर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो सकता है. ओके. ओके. एंड मैम, इट्स अ मिथ और अ फैक्ट कि ये कैंसर जो है वो ऑलवेज फेटल? नहीं, आई वुडंट से दैट इट इज़ ऑलवेज फेटल, क्योंकि कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और स्टेज के अकॉर्डिंग हम कितना properly, कितना aggressively उसको treat कर पा रहे हैं. So if it is detected in an early stage and we are able to take care of it properly, then it is not fatal. In fact, we can treat it and we can cure it also in early stages. Okay. And ma'am, अगर किसी की family history नहीं है esophageal cancer की तो उसको नहीं होगा ये cancer, ऐसा? So usually esophageal cancer genetic cancer नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये families में run करता है. इसके risk factors usually हमारे खान पान से related होते हैं. Alcohol, tobacco, smoking की हमने बात करी, उसके अलावा जो हम खाना खा रहे हैं उससे related है. और अगर किसी की फैमिली में है या नहीं है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है. ओके. तो ये किसी को भी हो सकता है. ओके मैम, तो ये कुछ हमारे पास मिथ्स थे जो आपसे मैंने पूछे. अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा आपने बताया कि जो रिस्क फैक्टर है मेनली स्मोकिंग और अल्कोहल है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इनको पीने से या फिर इनको कंज्यूम करने से किस तरह से हमको ये कैंसर हो सकता है? लाइक हाउ डज इट इफेक्ट? सो टोबैको, स्मोकिंग में टोबैको होता है और बहुत सारे और कार्सिनोजेंस होते हैं. वो जो ईसोफेगस, एक ट्यूब आप समझिए, उसमें जो अंदर की लाइनिंग होती है वो स्क्वामस लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को डैमेज करते हैं. सो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डैमेज होता रहता है तो उन सेल्स में कार्सिनोजेनिक कैंसरस चेंजेस हो जाते हैं और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. ईसोफेगस में मोस्टली दो तरह के कैंसर्स होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोपी या हिस्टोलॉजी की बात करें. एक को हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, एक को एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं. इनके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. जो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको या फिर हॉट स्पाइसेस या बहुत हॉट बेवरेजेस की वजह से होता है वो स्क्वामस होता है, और जो रिफ्लक्स की वजह से या हार्ट बर्न की वजह से होता है वो एडिनो कार्सिनोमा होता है. तो हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्क्वामस सेल का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है. ठीक है. और अभी इंडिया में हम बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही हमें मिलता है स्क्वामस भी और एडिनो कैंसर भी. अल्कोहल किस तरह से करता है? अल्कोहल इज स्पिरिट, तो वो हम अगेन हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करता है और दैट इज़ द वे दैट इट लीड्स टू कैंसर. ओके मैम, जैसे इस टाइम पर, इस एरा में हम देखते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तो मतलब मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल क्या ऐसा कर सकते हैं टू रिड्यूस आर लाइक अल्कोहल इनटेक एंड स्मोकिंग?
So number one, do not indulge into smoking and alcohol. It is not a healthy practice. If there are people around you, if you have friends and company who indulge and they force you because of peer pressure, aapko ye karna padta hai. So I would strongly suggest stay away from those people because they are not getting you into the right thing. If we know that something is harmful, we should not be doing it. I mean, एक बार उस काम को करके देन गेटिंग बैक एंड सेइंग अरे मुझे पता था और फिर मैंने किया अरे मुझे क्यों हो गया ऐसा दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट इन टू इट अगर वो स्मोक करते हैं छोड़ना चाहते हैं अल्कोहलिज्म है छोड़ना चाहते हैं सो देर आर डॉक्टर्स देर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल दे कैन गो टू डी एडिक्शन सेंटर्स एंड दोज पीपल कैन हेल्प यू टू डी एडिक्ट एंड टू लीव स्मोकिंग एंड एल्कोहल सी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विल पावर तो इफ यू हैव डिसाइडेड यू हैव टू डू समथिंग यू कैन डू इट इफ़ यू आर मेंटली वीक एंड यू थिंक कि वो मुझे हेल्प कर देगा और वो हेल्प करेगा मैं तब करूँगा सो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एक्जैक्टली मैम मैम अगर इस कैंसर की बात की जाए तो हमारे पास क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं सो क्योंकि ये हमारा फूड पाइप है यानी खाना माउथ से स्टमक में जाता है इस पाइप के थ्रू तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली खाना निगलने में दिक्कत के फॉर्म में होते हैं क्योंकि अंदर एक गांठ बन जाती है या रिफ्लक्स होता है तो खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है वो यूजुअली सॉलिड्स के साथ पहले ज़्यादा होती है जैसे चपाती या ब्रेड्स या कोई हार्ड चीज़ खाने में पहले ज़्यादा होगी फिर उसके बाद ग्रेजुअली अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो डिज़ीज़ बढ़ता गया तो फिर वो लिक्विड्स लेने में भी दिक्कत होने लगती है हार्ट बर्न हो सकता है पेट में भारीपन हो सकता है अगर खाना पीना नहीं प्रॉपरली हो तो वेट कम हो सकता है थकान हो सकती है एडवांस स्टेजेस में फिर डिजीज़ फैलने की वजह से और सिम्टम्स होते हैं बट इनिशियल सिम्टम्स खाना निगलने में दिक्कत और पेट में भारीपन के जैसा होता है और अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें मतलब इम्पॉर्टेंट है कि एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी ही चाहिए सो नंबर वन आई विल से अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसा ये मतलब नहीं है डोंट पैनिक डोंट थिंक कि अरे मुझे तो ईसोफेजियल कैंसर हो गया अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं और वो सबसाइड नहीं कर रहे हैं सपोज आपने कुछ खाया आपको लगा छाला हो गया या आपको हार्ट बर्न हो रही है आपने कोई दवाई ली एसिडिटी को कम करने के लिए वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हफ्ते 10 दिन 15 दिन में नहीं ठीक हो रही है देन डेफिनेटली यू शुड सी अ डॉक्टर सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू इज़ अगर हमें ऐसे सिम्टम्स जो लंबे समय तक हैं लग रहे हैं या फिर आपकी हिस्ट्री ऐसी लगती है जो सस्पिशियस है तो देन वी डू अ टेस्ट कॉल अपर जी आई एंडोस्कोपी जिसमें एक एंडोस्कोप होता है एक ट्यूब होती है जिसके एंड पे लाइट और कैमरा होता है उसको हम फूड पाइप के अंदर डाल के वी सी कि अंदर की म्यूकोजा कैसी है कोई गांठ कोई ट्यूमर कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ तो नहीं दिख रही है हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है नॉन कैंसरस गांठें भी होती हैं कई बारी और हो सकता है कि वो कैंसर का अर्ली स्टेज हो सो अर्ली स्टेज में पिक करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई सिम्टम अब नॉर्मल है जो नहीं ठीक हो रहा अपने आप या आपके कुछ मेडिकेशन लेने के बाद 10-15 दिन से ऊपर हो गया है तो देन डेफिनेटली यू शुड सी अ डॉक्टर इसके लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है ओके कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो हमें ये बताएगा कि अब नॉर्मल होगा तो ईसोफेजियल कैंसर पिकअप कर लेते हैं या जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी है या लंग कैंसर स्मोकर्स में हम लो डोज सीटी करते हैं तो इसके लिए कोई हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है कि हम करके वो टेस्ट बोल सकें कि आपको कैंसर हो सकता है